हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नो भारत पे। आज हम बात करने वाले कि इंस्टाग्राम के जो रील्स होते हैं, फोटोज होते हैं, अपलोड किए होते हैं, वीडियो होते हैं, उस जो भी आपको सेव करना हो, स्टोरी मतलब जो भी सेव करना हो, उसकी एप्लीकेशन बनाने वाले। तो हम इंस्टाग्राम सेवर एप्लीकेशन बनाने वाले जो प्ले स्टोर में बहुत अच्छी चल रही है। इसके लिए आपको कोई भी फायरबेस की या फिर मतलब कि कोई भी एडमिन पैनल की जरूरत नहीं पड़ती हो, और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इनकम आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है, मतलब होस्टिंग वगैरह का। तो आप सिंपल ऐप बना सकते हो और कोई हाई टास्क नहीं है इसमें, आप बड़ी सिंपल तरीके से इस एप्लीकेशन को बना सकते हैं। तो आज हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं, और इस एप्लीकेशन को आप को सोर्स कोड को यूज करके कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं आपको। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेमो एप्लीकेशन देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे अपना डेमो ऐप दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने डेमो ऐप पहले से इंस्टॉल करके उसमें पहले से लॉग इन करके रखा हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो में दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड करके भी कुछ दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड पे बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ऐड भी आ चुकी थी हमारे डाउनलोड होने पे। ओके, तो इस पर मैंने अभी मीडिएशन रखा हुआ है, तो आपको मीडिएशन वाले एड्स नहीं मिलेंगे आपको इसमें, आपको सिर्फ फेसबुक और एडमोब के एड्स मिलेंगे। अभी यहाँ पे मैंने यूनिटी के भी लगा रखा है इसमें, तो आपको उसका वीडियो भी नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा कि मीडिएशन कैसे करना है। ओके, तो यह जो भी डाउनलोड हुआ होगा वो वीडियोस और इमेजेस आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ओके, वहाँ से आप यहाँ पे मान लो, मैं अभी दिखा देता हूँ, अभी यहाँ पे मैं इस इमेज को भी शेयर करना चाहता हूँ या फिर रीपोस्ट करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, उसके अलावा आपको इसमें एडमोब और फेसबुक दोनों के एड्स मिल जाएंगे। जो ये सारे यूज़र्स है वो यूज़र्स के लिस्ट आपको यहाँ पे अपने फॉलोअर्स की लिस्ट यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे देखिए आपको साइड बार में मिल जाएगा, नाइट मोड का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। ओके, उसके अलावा यहाँ से आप सर्च कर सकते हो किसी यूज़र को। उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी मैं किसी एक यूज़र को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी एक यूज़र्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसकी स्टोरी, IGTV सब कुछ आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा डेमो एप्लीकेशन, यहाँ से आप इसकी सेटिंग भी देख सकते हैं। अगर आपको पूरी डिटेल में डेमो ऐप देखना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डेमो ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस एप्लीकेशन को कैसे बनाना है और सोर्स कोड कहाँ से डाउनलोड करना है वो बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आपको डेमो एप्लीकेशन तो देख लिया है, अभी आपको खुद से डेमो एप्लीकेशन को टेस्ट करना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप खुद से भी डेमो एप्लीकेशन देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले यहां पे हम आपको बता देते हैं, इसमें आपको एडमोब के ऐड मिल जाएगा और फेसबुक के दोनों के एडमोब आपको यहाँ पे एड सपोर्ट मिल जाएगा, दोनों के एड्स यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में चलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सोर्स कोड ले लेना है, मैं आपको बता दूंगा वीडियो में के अंदर के सोर्स कोड कहाँ से मिलेगा। ओके, यहाँ पे अभी हमने सोर्स कोड यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको इसको अनजिप यहाँ पे कर देना। अनजिप करने के बाद आपको यहाँ पे इस टाइप का मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे इंस्टा प्रो, ये हमारा सोर्स कोड हो गया है। तो यहाँ पे अभी हम एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो चुका है, उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन पर क्लिक कर लेना है, ओपन बटन जो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए ओपन वाला बटन है, उस पर क्लिक करना है और आपने जहाँ पे भी सोर्स कोड आपने रखा था उसको वहां से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए इंस्टा प्रो वर्जन 3.3 यहाँ पे दिखा रहा होगा, यहाँ पे देखिए एंड्रॉइड का आइकन दिखा रहा है इंस्टा प्रो, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा सोर्स कोड ओपन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपका पीसी हो या लैपटॉप आप जो भी यूज कर रहे हो, तो आपको उसका इंटरनेट से कनेक्ट रखना है। ओके, और यहाँ पे आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेता है। ओके, यहाँ पे अभी बिल प्रोसेस चल रहा है तो थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रोसेस हो चुका है, पहली बार आप जब ओपन करोगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, जो भी कंपोनेंट हो गए उसका वो डाउनलोड करेगा। और बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है कि या फिर कमेंट आता है कि हम इसको एंड्रॉइड मोबाइल में नहीं बना सकते, तो आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि आप ये जो भी एप्लीकेशन है वो आप एंड्रॉइड मोबाइल में नहीं बना सकते, आपको इसके लिए एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए और एंड्रॉइड स्टूडियो आपको पीसी या फिर आपके लैपटॉप में ही चलता है। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे हम नेम, एप्लीकेशन का नेम कैसे चेंज करना है वो बता देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम चेंज करने वाले, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन के अंदर, ऐप के अंदर, RES के अंदर आपको वैल्यूज में आ जाना है। वैल्यूज के अंदर आपको स्ट्रिंग मिलेगा, यहाँ पे string.xml करके होगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम होगा वो आपको यहाँ पे रख लेना है। तो यहाँ पे हम स्टोरी सेवर 2021 रख लेते हैं। ओके,
उसके बाद आपको ऐड यूनिट कहाँ से चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एडमोब ऐप आईडी, तो आपके जो भी एडमोब की ऐप आईडी होगी आपको वो यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको एडमोब के बैनर ऐड होगी, जो उसकी ऐड यूनिट होगी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है बैनर ऐड की। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरशियल, जो भी एडमोब की इंटरशियल ऐड यूनिट होगी वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। और यहाँ पे देखिए एफबी प्लेसमेंट आईडी, तो इसके अंदर आपको क्या डालना है कि आपके फेसबुक की जो भी बैनर ऐड यूनिट होगी फेसबुक ऐड की वो यहाँ पे आपको डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरशियल ऐप, फेसबुक की जो भी इंटरशियल ऐड यूनिट होगी वो आपको यहाँ पर चेंज कर देना है। उसके बाद आपको जो भी मैं एप्लीकेशन को शेयर करता है तो वहाँ पे जो भी टैक्स शो होता है, शेयर टैक्स जाता है व्हाट्सएप पे या पे किसी भी जगह पे, तो वो टैक्स आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पर मेरा मानो तो यहाँ पे कोई चेंजेस करने की आपको जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, तो अभी इसमें इतना ही था, तो ये हमारा काम फिनिश हो चुका है। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन और फेसबुक के ऐड यूनिट्स आपको चेंज करके बता दिया है। ओके, उसके बाद आपको आ जाना है जावा में। जावा में आपको यहाँ पे यूटिल्स करके मिल जाएगा, इसके अंदर आपको यहाँ पे यूटिल करके मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको इसको ओपन कर लेना है, और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो प्राइवेसी पॉलिसी, जो भी आपका एप्लीकेशन का प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ओके फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और आप जो भी फोल्डर का नेम रखना चाहो, जो भी स्टोरी डाउनलोड होगी वो कौन से फोल्डर में सेव होगी, तो यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट होगा तो उसका फोल्डर का नाम क्या होगा वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे स्टोरी सेवर हम यहाँ पे 2021 कर देते हैं। ओके, तो आपको इतना कर लेना है। इसके बाद हम बता देते हैं आपको पैकेज नेम कैसे चेंज होगा। तो पैकेज नेम चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए अभी ये कॉम डॉट टेक्नो भारत स्टोरी सेवर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे बीच वाले पे सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे रिफैक्टर, रिफैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे रीनेम कर देना है, और यहाँ पे रीनेम पैकेज नेम कर देना है। और यहाँ पे आप अपना जो भी पैकेज नेम रखना चाहो वो यहाँ से आप रख सकते हो। यहाँ पे अभी मैं कोई चेंजेस करने वाला नहीं हूँ, आप यहाँ पे कर सकते हो रिफैक्टर। ठीक है, मैं आपको एक बताने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी चेंजेस कर लेता हूँ, यहाँ पे रिफैक्टर पे क्लिक कर देना है। ओके, तो वो चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिफैक्टर पे आ जाना है, यहाँ पे रीनेम, यहाँ पे आप रीनेम पैकेज नेम, और यहाँ पे स्टोरी सेवर है तो यहाँ पे हम 2021 कर देते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी थोड़ी देर में एंड्रॉइड स्टूडियो का बग है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, थोड़ी देर में यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट में आ जाना है, और यहाँ पे देखिए फॉर्म डॉट स्टोरी सेवर 2021, यहाँ पे हमारा पैकेज नेम चेंज हो चुका है, तो इसको आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेडल में आ जाना है, और यहाँ पे इंस्टा प्रो, और यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल में आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज कर देना है, यहाँ पे जो कॉपी किया था अपने पैकेज नेम वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब तक ये बिल्ड होता है तो आप तब तक आपको वेट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, आपने अभी मैपिंग को ध्यान में नहीं लेना है, वो आपको जाने दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड सक्सेसफुल आपको यहाँ पे लिखा आ रहा होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल हमारा हो चुका है, यहाँ पे पैकेज नेम हमारा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, फायरबेस को हमें सेटअप करना है, तो फायरबेस के लिए यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अपना ब्राउजर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फायरबेस अपना ओपन कर लेना है। यहाँ पे गो टू कंसोल पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ नाम सर्वर 2021। ओके, तो इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक देना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कंटिन्यू करना है, और यहाँ पर अकाउंट, सॉरी यहाँ पर आपको जो भी डिफॉल्ट अकाउंट हो उसको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो।
उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट योर प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप ये देख सकते हो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंड्रॉइड पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको पैकेज नेम डाल देना है, जो भी आपको पैकेज नेम यहाँ पे आपने कॉपी किया था यहाँ से कॉपी कर लीजिए और उसको यहाँ पर आप डाल दीजिए। और यहाँ पे जो भी नेम रखना चाहो एप्लीकेशन का वो डाल दीजिए। यहाँ पे मैं अभी पूरी सेवर 2021 डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर ऐप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड गूगल सर्विस जेसन करके मिल जाएगा, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी फाइल डाउनलोड हो चुके, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। बेस कुछ इस तरीके का नोट पैड में ओपन होगा, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल ए करके सब कुछ सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है। आपको फिर से एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाना है और यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर आपको एप्लीकेशन ऐप सिलेक्ट करना है। ऐप के अंदर आपको यहाँ पे देखिए गूगल सर्विस जेसन करके मिलेगा, आपको इसको कंट्रोल ए करके सब कुछ सिलेक्ट करना है, उसको निकाल देना है और जो वहाँ से आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पर डाल देना है। ओके, इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे एंड्रॉयड कर लेना है। ये हमारा काम इतना हो चुका है। फिर से आपको फायरबेस में आ जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू कंसोल कर देना है। ओके, तो हमारा ये काम हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो हमारा फायरबेस सेटअप हो चुका है। उसके बाद अभी लास्ट में हम आइकन कैसे चेंज करना है वो आपको बता देता हूँ। लाइसेंस अब उसके लिए आपको यहाँ पे RAS के अंदर MIP मैप करके फोल्डर मिलेगा, उसके राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू न्यू के अंदर आपको इमेज एसेट करके मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको कोई भी एक अपना आइकन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं अभी लोगो करके मेरे पास आइकन पड़ा हुआ है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे आपको फिनिश कर देना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आइकन्स यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा आइकन यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो ये हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी है। अभी हम आपको बता देते हैं आपको इसका बिल्ड जनरेट साइनेड बंडल कैसे जनरेट करना है। इसके अंदर आपको इसके लिए आपको बिल्ड के अंदर आना है। बिल्ड के अंदर आपको जनरेट साइनेड बंडल और APK, अगर आपको बंडल बंडल पे क्लिक करना है, अगर आपको प्ले स्टोर पे अपलोड करना है तो आपको यहाँ पे बंडल जनरेट करना है .aab फाइल आप कहते हैं ना, वो आपको यहाँ से जनरेट करनी है। अगर आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके टेस्ट करना है तो यहाँ पे APK जनरेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बंडल टेस्ट करने वाले जनरेट करने वाले क्योंकि हमें प्ले स्टोर पर अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे अभी क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको अभी मैं अभी यहाँ पे कोई जहाँ पर भी आपको किस्टोर बनाना हो वहाँ पे जगह सेलेक्ट कर लीजिए। मैं डी ड्राइव में बनाने वाला हूँ किस्टोर को। यहाँ पे अभी हम पूरी यहाँ पे टेस्ट करके हम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा चुका है डी ड्राइव में स्टोरी सेवर टेस्ट करके ये फाइल हमारी बन जाएगी। तो इसमें हम पासवर्ड रख लेते हैं अपना कोई भी, आप अपने हिसाब से पासवर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने नेम और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको डाल देनी है। यहाँ पे अभी मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आप अपनी सही इन्फॉर्मेशन डालिएगा। ओके सॉरी पासवर्ड मैच नहीं हो रहा। इसके बाद आपको यहाँ पे ये किस्टोर फाइल जो भी आपके डी ड्राइव में जहाँ पर भी आपने जगह सिलेक्ट की होगी वहाँ पे बन जाएगी। इसको आपको संभाल के रखना है क्योंकि उसके बिना आप प्ले स्टोर में कभी एप्लीकेशन को अपडेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीज पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे फिनिश पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर देखिए हमारा बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे प्रोसेस सक्सेसफुली फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा जनरेट साइनेट बंडल दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लोकेट पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जहाँ पर भी फाइल जनरेट हुआ होगा वो ओपन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो चुका है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ऐप रिलीज डॉट AAB फाइल आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, तो आप इस फाइल को अपने प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हो। ओके, तो आपको हमने ये सब कुछ बता दिया। अभी हम बताते हैं कि आपको इसको हम पहले क्लोज कर लेते हैं।
अच्छा, उसके बाद आपको बता दे कि आपको सोर्स कोड कहाँ से मिलेगा। तो सोर्स कोड के लिए आपको यहाँ पे अपने कोई भी एक ब्राउजर में आ जाना है, और यहाँ पे आपको इस वेबसाइट का लिंक या फिर आपको सोर्स कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता देता हूँ, सोर्स कोड फ्री नहीं है, बिल्कुल फ्री नहीं है। सोर्स कोड के लिए आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। देखिए, ये वाला सोर्स कोड आपको मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे और भी कोई बहुत सारे सोर्स कोड है, पर आपको अभी हमने इस सोर्स कोड का यूज किया था, तो मैं आपको बता दूँ सोर्स कोड बिल्कुल फ्री नहीं है, क्योंकि 150 रुपये में बहुत ज्यादा पैसे होते नहीं है, क्योंकि जो भी पैसे आएंगे उससे हम न्यू सोर्स कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, जो भी सोर्स कोड आप बाय करोगे उससे जो भी हम पैसे मिलेंगे आपको, उसके बाद हम न्यू सोर्स कोड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये फ्री नहीं रखा हुआ है, आपको यहाँ पे 150 रुपीज देना होगा, जो बहुत कम प्राइस है। तो यहाँ पे हमने पेमेंट गेटवे के लिए आपको यहाँ पे यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आप यूज कर सकते हो, और आप अगर इंडिया से नहीं हो तो यहाँ पे आप पेपल यूज कर सकते हो, और उसके अलावा यहाँ पे आप परफेक्ट मनी से बिटकॉइन या फिर अपने हिसाब से कोई भी क्रिप्टो करेंसी भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे बाय करना है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे अभी यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है। ओके, ये आपको लेटेस्ट वर्जन के साथ मिलेगा, आपको बाय करना है, यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप देखिए प्रोसेड टू चेकआउट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ओके, और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके डाल देने। उसके बाद आपको यहाँ पे पेपल, अगर आप पेपल से पेमेंट करना चाहो तो यहाँ पे पेपल कर सकते हो। अगर आपको यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इससे पेटीएम, फोनपे, इससे कोई पेमेंट करना है तो आपको ये वाला ओपन वाला सिलेक्ट कर लेना है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, पर आपको क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे बिटकॉइन या ऐसा कुछ कोई डॉलर में या फिर परफेक्ट मनी से पेमेंट करना हो तो आप यहाँ से परफेक्ट मनी पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको प्रोसेस टू पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आपको बता दिया कि आपको सोर्स कोड कहाँ से और कैसे बाय करना है। ओके, और भी सोर्स कोड के लिए आपको चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा सोर्स कोड चाहिए और कौन से एप्लीकेशन का सोर्स कोड चाहिए और कैसा वीडियो हमें बनाना चाहिए। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।